नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तुम सो रहे होते हो, सांसें फिर भी चल रही होती हैं, और तुम गहरी सांस लेना चाहो तुम वो भी कर सकते हो. तो एक कुछ पॉइंट तक तुम भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हो, और नहीं करोगे तो तुम लापरवाह इंसान हो ही. तुम्हारे बस में दे दिया, हमारे बस में नेचर ने ये चीज़ें दे दी, तो हम तो सांस लेना भी भूल ही जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर ऑटोनॉमिक कंट्रोल भी है. अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर इसमें क्या आ जाएंगे, बहुत सारे प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ें MBBS में तुम पढ़ लोगे. फिलहाल उधर तक पहुंचने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं NCERT, हम उस पर अपना फोकस रखेंगे. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसकी समरी में एक और पॉइंट दिया होगा, तो इसकी समरी भी पढ़नी है तुम्हें. ठीक है, रेगुलेशन के बारे में दिया होगा समरी में. ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन एंड टू मॉडरेट द रिदम एज पर द नीड्स ऑफ बॉडी टिश्यू. एक्सरसाइज करोगे तो सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं, और आप नॉर्मल सांस लेना चाहो, योगा के टाइम क्या आप सांस पर ध्यान देते हो, तो आप सांस को कंट्रोल करते हो. आप नहीं करोगे तो खुद भी हो सकती है, तो वही इसने कहा है कि आप भी कंट्रोल कर सकते हो. कैसे कंट्रोल होता है इस रेस्पिरेशन पर? नर्वस सिस्टम से. नर्वस सिस्टम में कैसे होता है वो हम उस चैप्टर में डील करेंगे. देखो, ब्रेन स्टेम में क्या होता है अपना, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला. कैसे बनाऊं मैं, लाइक दिस, ऐसे समझ लो. ठीक है, पीछे तुम्हारे इधर सेरिबेलम हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये आपका मेड्यूला हो गया. ठीक है, वो जो वोमिट सेंटर होता है वो मेड्यूला में होता है. ये पॉन्स हो गया, और इसके ऊपर मिड ब्रेन समझ लो. ठीक है, बाकी तुम्हारा वो सेरिब्रम वगैरह हो जाएगा. ओके, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन ऑफ ब्रेन नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में. ये मेड्यूला इधर मान लो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कि रेस्पिरेशन का रिदम बनाता है, कि ऐसे हमने 2 सेकंड तक इंस्पिरेशन करनी है, 3 सेकंड तक एक्सपिरेशन करनी है. ये रिदम मेंटेन करके रखा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, किधर है, मेड्यूला में. दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन. ओके, another center present in pons region of the brain called as pneumotaxic center. P for pons, P for pneumotaxic center. ठीक है, pons में एक pneumotaxic center है. Okay, it can moderate the functions of respiratory rhythm center. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम है रिदम बना के रखना. फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस है, फियर है, एनजाइटी है, उस रिदम को चेंज करने का काम न्यूमोटैक्सिक सेंटर का है, जो कि पॉन्स में है. यस और नो, ये बेसिक चीज समझना है. रिदम किसने मेंटेन किया, रिदम सेंटर ने, जो मेड्यूला में है. रिदम को बदला किसने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, पॉन्स में जो प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसने मॉडरेट किया. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय चेंज रेस्पिरेटरी रेट. जब आप एकदम से घबरा जाते हो या दौड़ते हो, दौड़ने के बाद क्या होती है, जो आप नॉर्मल 12 से 16 टाइम ब्रीथ करते हो एक मिनट में, हाँफने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सांसें लेते हो, तो नॉर्मल सांस अगर 5 सेकंड में लेते हो, हाँफने पर आप 2-3 सेकंड में ही सांस ले लेते हो. तो इसने क्या किया, जो आप इंस्पिरेशन का टाइम था उसको कम कर दिया, बहुत जल्दी आप सांस लोगे, रेस्पिरेशन विल बी फास्ट एंड शेलो, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गई. किसकी वजह से, न्यूमोटैक्सिक, वही तो मॉड्यूलेट करता है. देन एकीमोसेंसिटिव एरिया, केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है, किधर प्रेजेंट है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला में है, तो वहीं मेड्यूला में रिदम सेंटर के बगल में वी हैव एकीमोसेंसिटिव एरिया. इधर पर मान लो कीमोसेंसिटिव एरिया है, ठीक है, क्या काम है बेटा इसका, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+. देखो ऑक्सीजन नहीं लिखा है इसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेंसिटिव टू CO2, इट इज नॉट सेंसिटिव टू PCO2, इट इज सेंसिटिव टू H+ आयंस, इट इज नॉट सेंसिटिव टू pH. ऐसे ऑप्शन में बना कर देंगे तो NCERT के एग्जैक्ट कोडिंग याद रख लेना.
क्या याद रखना है, रिदम सेंटर के बगल में कीमो सेंसिटिव एरिया है, वो सेंसिटिव है केमिकल्स के लिए। कौन कौन से केमिकल्स के लिए? CO2 के लिए, H+ के लिए, ठीक है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव है तो क्या करेगा अगर इनमें बढ़ाव या घटाव आ जाएगा? अगर CO2 बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, तो कीमो सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। अब कीमो सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट करने पर क्या करेगा? ये एक रिदम ये रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? कि भाई साहब कुछ तो अपने रिदम में एडजस्टमेंट करो, ये जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसके रिदम को बदलो, ताकि CO2 को हटा सको आप, ज़्यादा एसिड को आप हटा सको, इनको हम एलिमिनेट कर सकें। देखो कहानी चल क्या रही है, एक ब्लैंक पेज पे बताता हूँ मैं तुम्हें। मेन बॉस है अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है कि नहीं? ये भाई साहब अपना नॉर्मल रिदम बना के है। इस रिदम को अगर चेंज करना है तो जाओ कोई तो होना चाहिए जो इस रिदम सेंटर को बताए कि भाई साहब बदलाव करो। कौन बताएगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रिदम सेंटर। कुछ केमिकल्स ज्यादा हुए हैं उनको हटाना है, तो इसको बताना पड़ेगा भाई साहब केमिकल्स आ चुके हैं, कुछ तो चेंजेस करो। वो कौन बताएगा? कीमो सेंसिटिव एरिया। लोकेशन बता दो, इन दोनों की लोकेशन किधर है? मेडुला में है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में है, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है? H+ के लिए, CO2 के लिए, यस और नो? ये केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन हो गया कीमो सेंसिटिव से, न्यूमोटैक्सिक से न्यूरल कंट्रोल हो गया। द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद आर्च ऑफ आयोटा में कैरोटिड आर्टरी Also can recognize changes in CO2, changes in H+, वो भी कीमो रिसेप्टर हो गए। किधर? आर्च ऑफ आयोटा में। मैंने तुम्हें हार्ट की डायग्राम दिखाई थी ना, तो हार्ट से एक ब्लड वेसल ऐसे निकल रही थी, इसको आयोटा कहते हैं, जहाँ पे ये मुड़ी उसको आर्च ऑफ आयोटा कहते हैं। वहाँ से एक वेसल निकलती है कैरोटिड आर्टरी, तो उस आर्टरी में भी और आर्च ऑफ आयोटा में भी रिसेप्टर्स लगे हैं। देखो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये डिटेक्ट कर सकता है CO2 की कंसनट्रेशन, H+ की कंसनट्रेशन। इसके लिए ज़्यादा ब्लड आएगा, उसमें ज़्यादा CO2 है, तो इधर स्ट्रेच लगेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है? एक तो कीमो रिसेप्टर एरिया मेडुला में डिटेक्ट करता है, और दूसरा हार्ट से जो निकल रही है आर्च ऑफ आयोटा और कैरोटिड आर्टरी, उनके अंदर रिसेप्टर्स लगे हैं जो डिटेक्ट करेंगे चेंजेस और फिर सिग्नल भेजेंगे किसको? रिदम सेंटर को, कि भाई साहब कुछ तो ठीक करो। इस चीज़ का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये चीज़ काम किया। यहाँ से आर्च ऑफ आयोटा एंड कैरोटिड आर्टरी, इनमें क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये इसको बताते हैं कि अपने रिदम में चेंज करो। तो समझिए कैसे कंट्रोल हो रहा है रेस्पिरेशन पे। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि ऑक्सीजन ही सब कुछ है, ये कहता है कि ऑक्सीजन का रोल रिदम को कंट्रोल करने में ऑलमोस्ट उतना कुछ खास नहीं है। समझ गए दोस्तों, अब है लास्ट सेक्शन इस चैप्टर से, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी नशेड़ी लोग हैं, सिगरेट पीने वाले, अस्थमा तो हुआ ही होगा, नहीं हुआ होगा तो बुढ़ापे में हो जाएगा। बाकी एम्फिसीमा कॉमन डिजीज है सिगरेट स्मोकर्स में। चलो देखते, व्हाट इज अस्थमा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग साउंड्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अस्थमा मेनली देखो आपको एक्सपिरेशन के टाइम पर ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। अस्थमेटिक पेशेंट्स जब सांस छोड़ेंगे ना, तो एक टिपिकल साउंड उनके उससे प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स से, उसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड आ गई तो समझ लो अस्थमा की बात हो रही है, ठीक है। वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एक्सपिरेशन से डील करता है। रीजन क्या है, क्यों ब्रीदिंग साउंड, क्यों डिफिकल्ट है ब्रीदिंग, क्यों वीजिंग साउंड बनती है? क्योंकि जो आपके ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी,
या उसके बाद के ब्रोंकियोल्स है वो सूज गए हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ओनली स्वेलिंग नहीं है, उसके अंदर पांच चीज़ें होती है, र्यूबर, डोलर, कैलर, ट्यूमर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। खैर जाने दो, बस ब्रोंकस प्लस ब्रोंकियोल दोनों की इन्फ्लेमेशन की वजह से अस्थमा हो सकता है जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। देन एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अचानक से डेवलप हो गया, सालों बर सालों लगते हैं इसको डेवलप होने में। इसमें एलवियोले की दीवार ही डैमेज हो जाएंगी, ये एलवियोले होते हैं तो इनकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो जो इफेक्टिव सरफेस एरिया था गैसेस को एक्सचेंज करने का वो कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया, क्योंकि पहले आपके पास अगर दो वॉल्स थी, ये दोनों हट गई, अब आपके पास ऐसे है, बीच की जो वॉल थी वो तो गायब हो गई ना, इधर से भी रेस्पिरेशन होती, एक्सचेंज होता गैसेस का, वो ख़त्म हो गया, तो क्या होता है एल्वियोली की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या हुआ रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया। मेजर वजह एम्फिसीमा का सिगरेट पीना, इसलिए कोई पी रहा है तो मत पियो। देन थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो किसी के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, कोई कोयले की खान में काम कर रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा कोल पार्टिकल्स या ऐसी चीज़ें जाएंगी लंग्स में, कोई कैंसर वगैरह के ज़्यादा चांसेस है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये कॉमन चीज़ें हैं। किसी किसी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जहाँ पर किसी चीज़ को पीसा जाता है, पत्थर तोड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल प्रोड्यूस होती है और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उससे लड़ नहीं पाता है। मैंने बताया था कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सीलिएटेड एपिथीलियम होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को वापस भगा देता है, अंदर आने नहीं देता है। बट जब आप कंटिन्यूसली सालों भर सालों उस इंडस्ट्री में काम करोगे तो वो मैकेनिज्म इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे डस्ट को आने से रोक दे, पूरी तरीके से वो कोप नहीं कर पाता है उस सिचुएशन के साथ। ज़्यादा एक्सपोजर जब होगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से लंग में फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस बोले तो फाइब्रस टिश्यू का अमाउंट बढ़ जाना। फाइब्रस टिश्यू क्या है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है वो। लंग में हम क्या चाहते हैं, ये लंग है, इसमें मुझे चाहिए एल्वियोली ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब इसमें बढ़ रहा है फाइब्रस टिश्यू, लंग की जगह कम हो रही है, इसमें एल्वियोली कम होंगे, इधर तो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है ना, तो लंग का काम ही नहीं हो रहा है अगर फाइब्रस टिश्यू इसमें बढ़ गया तो, गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पा रही है सही से, तो इसलिए ये बुरी चीज़ है। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू मीन्स फाइब्रोसिस, ठीक है, दस कॉजिंग सीरियस डैमेज टू लंग। वर्कर्स इन इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ओके समझ गए, समरी भी पढ़ा दूँ क्या, चलो जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा बता देता हूँ। सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद सब्सटेंसेज लाइक CO2 विच इज़ हार्मफुल। एनिमल्स के पास अलग अलग मैकेनिज्म है गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दो लंग्स है। अच्छा हाँ, लंग्स के बारे में थोड़ी सी कहानी। राइट लंग में तीन लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में दो ही लोब्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच की स्पेस को मीडियास्टीनम कहते हैं। लंग्स रेस्ट कर रहे होते हैं डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। और क्या बताऊँ, क्योंकि देखो नीचे एब्डोमिनल कैविटी आएगी, राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर की वजह से राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, समझ गए ये चीज। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज सांस लेना, एयर इज टेकन इन, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ सेल, सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल की लेवल पर जब ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जा रहा है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस लेना सांस छोड़ना। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट बनाए जाते हैं स्पेशल मसल्स की मदद से, डायफ्राम और इंटरकोस्टल्स। नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल वाला इन्वॉल्व होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर को स्पायरोमीटर से एस्टिमेट कर सकते हैं, जहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी किसी कैपेसिटी में वहाँ स्पायरोमीटर किसी काम का नहीं होगा। गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में डिफ्यूजन से होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है मैंने बता दिया है तुम्हें, सॉल्युबिलिटी गैसेस की कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, पार्टिकल का साइज कितना है, टेम्परेचर कितना है, इस सब पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है।
ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वियोले में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रहता है तो जुड़ जाता है, टिश्यूज़ में डिसोसिएट हो जाता है। देन 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज चाहिए, ये प्लाज्मा में थोड़ा सा है, आरबीसीज में बहुत ज़्यादा है। 20-25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है। अब टिश्यू में PCO2 हाई है तो जुड़ेगा, एल्वियोले में कम है तो एल्वियोले में रिलीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रिदम सेंटर, कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में है, और कीमोसेंसिटिव एरिया जो मेड्यूला में है, वो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को बदल सकते हैं। रिदम को मेंटेन कौन करके रखा है, रिदम सेंटर, उसके बदलना है एक्सरसाइज के टाइम, कोई नीड पड़ गई तो इसको कौन बोलता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल सकता है, कीमोसेंसिटिव सेंटर इसको बोल सकता है कि भाई साहब बदल जाओ, ज़रूरत है ये, कीमोसेंसिटिव एरिया इसको बोल सकता है कि बदल जाओ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल सकता है, और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आर्च ऑफ आयोटा में और कैरोटिड आर्टरी में, ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब बदल जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एट वन गो ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने लाइन टू लाइन कवर किए हैं। अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो इतना मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी में आपको किसी भी लाइन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्टिल किसी दूसरे मॉड्यूल का या कुछ भी डाउट है, आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड डाउट है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी नीट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।